हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास टेंथ में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि आपको 3 नंबर या 5 नंबर को देखने को मिलता है। ओके, तो ज़्यादातर आपको 5 नंबर को देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 50+ में आपको इस चैनल पर आपको करवाने वाला हूँ। ओके, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलराइट, तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आइए, मैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास LHS दिया हुआ है। ओके, और RHS मुझे प्रूफ करना है। ओके, या RHS लीजिए, LHS प्रूफ कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या लेना है भाई, आपको LHS आपको लेना है और RHS प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, हल में क्या लिखूंगा भाई, LHS लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और RHS प्रूफ करूंगा, यानी कि राइट हैंड साइड में प्रूफ करूंगा। तो LHS में जो क्वेश्चन है वो सारा आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या है क्वेश्चन, 1/(1+cos θ) ऑलराइट, प्लस 1/(1-cos θ) यही क्वेश्चन है भाई, मेरा क्वेश्चन यही है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, LCM आप इसका भिन्न का जोड़ यहाँ पे आप निकाल लीजिए। ओके, तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे आप निकालिएगा तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 1+cos θ ऑलराइट इंटू 1-cos θ हो जाएगा, यही इसका LCM हो जाएगा भाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे LCM जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 1-cos θ ऑलराइट। हमेशा आपको ब्रैकेट में लेना है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तो यहाँ पे माइनस रहे तो आप यहाँ पे आप हो सकता है आप यहाँ पे गलती कर दे। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है, छोटी ब्रैकेट आपको ले लेना है ताकि कोई क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज ना हो। ऑलराइट, तो स्टूडेंट ज़्यादातर यही गलती करता है यहाँ, और वो जो है ना ये ब्रैकेट नहीं लेता है और यहाँ पे माइनस रहता है तो ये सारा का सारा इसका पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। ओके, तो इसलिए आपको ब्रैकेट लेना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो ओपन करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos θ + 1+cos θ ऑलराइट, बटा 1+cos θ इंटू 1-cos θ ऑलराइट, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए हमको 1+1 कितना होता है, 2 होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक माइनस में cos θ है, एक प्लस में cos θ है, तो पहले तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे काट दिया। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1+1 2 हो जाएगा, तो 2/, अच्छा यहाँ पे 1 को आप a मानते हैं और cos θ को b मानते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, a+b × a-b, तो हम जानते हैं a+b × a-b होता है a²-b²। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a², यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -b², तो cos θ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos²θ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, 1-cos²θ होता है sin²θ, तो ये आपका हो जाएगा sin²θ। ये फॉर्मूला कैसे आया भाई, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sin²θ + cos²θ = 1 होता है। क्या होता है भाई, sin²θ + cos²θ = 1 होता है, तो हम 1+cos²θ = sin²θ लिख सकते हैं, 1-cos²θ = sin²θ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्मूला को हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यही मैंने कन्वर्ट किया, 1-cos²θ को sin²θ यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे अब देखा जाए तो हम एक फॉर्मूला और जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला आप चाहें तो यहाँ पे आप शो करवा दें। ऑलराइट, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि 1-cos²α यहाँ पे ले लें, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ तो मैं अल्फा में यहाँ पे समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1-cos²α = होता है sin²α। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने थीटा क्यों लिया भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, 1/sin θ को हम cosec θ लिख सकते हैं, cosec θ हम लिख सकते हैं, उसी प्रकार 1/sin²θ को हम cosec²θ लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला तो ये मुझे प्रूफ हो चुका है,
यदि ये देखा जाए तो ये मुझे पहला प्रूफ हो चुका है, ये देखिए यही मुझे प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है। अब मैं दूसरा टर्म यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, ये वाला, ओके। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे मैं बढ़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं 2 × 1/sin²θ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो 1/sin²θ भी मैंने आपको बताया cosec²θ होता है, तो 2 × इस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, cosec²θ हो जाएगा। तो ये ही आपको प्रूफ करना था, ऑल राइट। तो आप यहाँ पे चाहे तो प्रूफ भी लिख दें, एक यहाँ पे लिख दें और एक यहाँ पे लिख दें, उससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि एक प्रूफ आपने यहाँ भी किया है और एक प्रूफ आपने यहाँ भी किया है। और यहाँ जो आपने दूसरा प्रूफ किया है यहाँ पे और दे दें, ताकि ये मेरा दूसरा प्रूफ चल रहा है, ओके। सो यहाँ पे और दे दें, यानी कि या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो या, यानी एक प्रूफ हो चुका है, आप दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। सो ये पूरा ये भी प्रूफ हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ, या फिर सिद्ध हो गया, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सिद्ध हो गया आप लिख लें, ऑल राइट। सो आज का इस वीडियो में ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम 50+ करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।